डियर फ्रेंड्स, टीम नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मोस्पीस एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशंस हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 36 to 40। दोस्तों रीड मोर लर्न मोर एंड शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। Let's we start question number 36. During a newborn assessment, the nurse identify that the temperature, pulse, respiration and other physical characteristics are within the expected range. The nurse record these findings on the clinical record legally. How should the nurse's action be interpreted? A newborn के assessment के दौरान nurse identify करती है कि उसका temperature, उसका pulse rate, respiration, उसके physical character नॉर्मल रेंज के अंदर है। नर्स द नर्स रिकॉर्ड देन फाइंडिंग, उनको उस फाइंडिंग को क्लिनिकल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर देती है। लीगली हाउ शुड द नर्सेज एक्शन बी इंटरप्रेटेड, ये नर्स का कार्य कैसे इंटरप्रेट होगा। ऑप्शन नंबर वन, द नर्स मीट द रिक्वायरमेंट सेट फोर्थ इन द नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट, नर्स ने कार्य नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के अनुसार किया है। ऑप्शन नंबर टू, दिस इज ए मेडिकल डायग्नोसिस एंड द नर्स ओवरस्टेप्ड द लीगल बाउंड्रीज, ये एक मेडिकल डायग्नोसिस है। मेडिकल डायग्नोसिस मीन्स टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन लेना मेडिकल डायग्नोसिस है, नर्स ने ओवर स्टेप किया है, नर्स का काम नहीं था। नर्सिंग असेसमेंट आर नॉट इक्विवेलेंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के असेसमेंट के बराबर नहीं होते हैं। द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट्स फिजिकल स्टेटस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इन्फेंट का फिजिकल स्टेटस का इनिशियल असेसमेंट करना हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। कैसे? वी नो दैट टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशन और फिजिकल कैरेक्टर्स आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग या नर्स एंड कम अंडर द नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट। दिस नेशनल द नर्स प्रैक्टिस एक्ट रिक्वायर नर्सेज टू डायग्नोस ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, मतलब तापमान, पल्स, श्वसन दर और फिजिकल कैरेक्टर चेक करना नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। दिस इज ए फिजिकल असेसमेंट नॉट ए मेडिकल डायग्नोसिस एंड इज विद इन द नर्सेज रोल, फिजिकल असेसमेंट करना नर्सेज का रोल है, मेडिकल डायग्नोसिस इज नॉट कम अंडर द नर्सेज रोल, असेसमेंट शुड नॉट डिफर वेन डन बाय द नर्स। ऑप्शन नंबर फोर इज शोइंग द नर्स इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ नर्सेज नॉट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मेडिकल डायग्नोसिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर नॉट द नर्सिंग पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 37, विच नर्सिंग एक्शन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल एक्शन, कौन सा नर्सिंग एक्शन गर्ल एक्ट से प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोवाइडिंग हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, ऑफरिंग फर्स्ट एड एट द सीन ऑफ ऑटो मोबाइल कलेक्शन, फर्स्ट एड देना जहां पे एक्सीडेंट हुआ, रिपोर्टिंग इंसिडेंट ऑफ सस्पेक्टेड चाइल्ड एब्यूज टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का चाइल्ड एब्यूज को रिपोर्टिंग करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसेसिटेटिव मेजर्स टू एन अनकॉन्शियस चाइल्ड पुल्ड फ्रॉम ए स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल से जो बच्चा अनकॉन्शियस मिला है उसको रिससिटेटिव मेजर देना। गेस द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। कौन से लीगल एक्शन का मतलब है कि कौन सा जो नॉर्मल एक्शन नहीं है, प्रोवाइडिंग हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग इज द नॉर्मल एक्शन, that means option is closed. Offering first aid at the scene of automobile accident ke scene mein first aid dena is the normal action. Next, reporting incident of suspected child abuse to the appropriate authority. Child abuse is not come under the normal action, it should be reported to higher authority. Then this may ऑप्शन नंबर फोर, एडमिनिस्ट्रेटिंग रिससिटेटिव मेजर टू अनकॉन्शियस चाइल्ड स्विमिंग पूल से निकला हुआ बच्चे को रिससिटेट करना इज द नॉर्मल एक्शन, दिन ऑप्शन इज नॉट
प्रोटेक्टेड लीगल एक्शन, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि लीगल एक्शन से कौन सा प्रोटेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। रेशनल, द रिपोर्टिंग ऑफ पॉसिबल चाइल्ड अब्यूज इज रिक्वायर्ड बाई लॉ एंड द नर्सेज आइडेंटिटी कैन रिमेन कॉन्फिडेंशियल। द नर्स इज फंक्शनिंग इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड देयरफॉर कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑल्दो द गुड सेमरिटियन एक्ट, गुड सेमरिटियन एक्ट मतलब मानवता के लिए कार्य करना, प्रोटेक्ट हेल्थ प्रोफेशनल जो भी जितने भी, जैसे कोई रोड पे पड़ा हुआ मिल गया उसको हॉस्पिटल पहुंचाना या पानी में डूब गया उसको बाहर निकाल करना। द नर्स इज स्टिल रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग एज एनी रीजनेबली प्रूडेंट नर्स, जिम्मेदार, प्रूडेंट मीन्स जिम्मेदार, वुड इन ए सिमिलर सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो वहां पे प्रेजेंट है वो नर्स कार्य कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 38, ए नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट, द नर्स परफॉर्म ए फिजिकल असेसमेंट एंड रिव्यू द एडमिशन फॉर्म एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर, व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए प्रायोरिटी इन दिस क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। एक न्यू एडमिटेड पेशेंट असाइन हुआ नर्स को, फिजिकल असेसमेंट परफॉर्म कर रही है एंड उसका एडमिशन फॉर्म री करने का ऑर्डर प्रोवाइड हुआ है, इस फॉर्म के अंदर कौन सा काम उसको प्रायोरिटी है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से वर्क को देगी, ये चार्ट है या एडमिशन फॉर्म है जिसके अंदर 56 ईयर मेल, मैरिड, कैथोलिक, हिस्ट्री ऑफ एम्फाइसिमा, टर्मिनली इल विथ कैंसर ऑफ इसोफेगस, ठीक है। नर्सिंग इसके ये फिजिकल डाटा है, नर्सिंग असेसमेंट में वीक है, एनोरेक्सिक है, डिस्निक है, एमेंशिएटेड है, एपेथिक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर क्या है, सॉफ्ट डाइट देनी है, ऑक्सीजन है 2 लीटर वाय नेजल कैलुला देना है, पोस्टल ड्रेनेज अनफ्लूटिकासोन 250 mg देना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इनटेक एंड आउटपुट, इसमें हमें सर्च करना पड़ेगा इनटेक आउटपुट नॉर्मल है या नहीं है, इनटेक आउटपुट इज नॉर्मल, क्यों, ही इज ऑन द सॉफ्ट डाइट, डेंट मीन ये आंसर। दूसरा डाइट एंड न्यूट्रिशन, सॉफ्ट डाइट ले रहा है, एक्यूरेट है, हाइजीन एंड कंफर्ट, ओल्ड पेशेंट है तो उसका हाइजीन एंड कंफर्ट रिक्वायर्ड होगा, बॉडी मैकेनिंग में पोस्चर 56 है, नॉर्मल डाइट है, दैट मींस क्लियर। गेस द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इनटेक आउटपुट हमने देखा ठीक है, ओके है, डाइट सॉफ्ट डाइट ओके है, बॉडी मैकेनिंग पोस्चर ओके है, दैट देन मींस राइट आंसर इज हाइजीन एंड कंफर्ट। रेशनल, बिकॉज द चाइल्ड कंडीशन इज टर्मिनल, ओके, लेट एंड स्टेज ऑफ लाइफ है, द नर्सिंग प्रायोरिटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोवाइडिंग बेसिक केयर, एंड स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर नर्सिंग प्रायोरिटी बेसिक केयर एंड कंफर्ट देना होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंड स्टेज या टर्मिनल केयर ऑफ लाइफ के अंदर नर्सेज प्रायोरिटी बेसिक केयर एंड कंफर्ट। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑल्दो दीज आर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर, सारे ऑप्शन सही है, सारे काम होने चाहिए, लेकिन हमें इसमें क्या सर्च करना है, प्रायोरिटी। प्रोविजन ऑफ कंफर्ट इज द प्रायोरिटी व्हेन केयरिंग ऑफ डाइंग क्लाइंट, डाइंग क्लाइंट या टर्मिनल इल पेशेंट की केयर में प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रोवाइड द कंफर्ट। ऑप्शन नंबर 39, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39, ए वीक डिस्निक टर्मिनल इल क्लाइंट इज विजिटेड frequently by a spouse and teenage children, what should the client's plan of care include? एक weak dyspneic और terminally ill patient है जिसमें उसके spouse और teenage द्वारा बार बार visited किया जा रहा है, client's plan of care के अंदर क्या include होगा। Option number 4, foster self activity whenever possible, self activity को बढ़ाना यदि possible है तो। ऑप्शन नंबर 2, प्लान केयर टू बी कंप्लीटेड एट वन टाइम फॉलोड बाय लॉस्ट लॉन्ग रेस्ट, लॉन्ग रेस्ट के बाद एक काम कर सकता है वो, टीच फैमिली मेंबर हाउ टू असिस्ट विद द क्लाइंट्स बेसिक केयर, उसके फैमिली मेंबर को टीच करेंगे कि पेशेंट्स की बेसिक केयर कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे देनी है। लिमिट विजिटिंग टू इवनिंग आवर्स बिफोर द क्लाइंट गोज टू स्लीप, इवनिंग आवर में आ सकते हैं जो उसके अटेंडेंट स्पोज उससे मिलने, बिफोर क्लाइंट के सोने से पहले। यस द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3,
कैसे? फोस्टर सेल्फ एक्टिविटी वेन एयर पॉसिबल, हम पेशेंट को फोस्टर या फोर्सफुल नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर टू, प्लान केयर टू बी कंप्लीटेड एट वंस टाइम फॉलोड बाई लॉन्ग रेस्ट, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? कि उसकी पेशेंट्स राइट इज इंपॉर्टेंट। टीच फैमिली मेंबर हाउ टू असिस्ट विद क्लाइंट्स केयर, इट्स द राइट। उसके फैमिली मेंबर को हम असिस्ट, फिर लिमिट विजिटिंग, लिमिट विजिटिंग इज द पेशेंट के राइट का, राइट को हम छीन रहे हैं, कम कर रहे हैं, रेशनल क्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट। बिकॉज फैमिली मेंबर्स आर ओल्ड एनफ टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स नीड, दे शुड बी इंक्रीज्ड द टू पार्टिसिपेट इन द केयर। फैमिली सेल्फ केयर इंक्रीज ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, देयर बाय इंक्रीजिंग फैटिक एंड डिस्निया, ओवर वर्किंग द क्लाइंट्स कोज अंडर अनड्यू फैटिक, देयर शुड बी फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर। ऑप्शन नंबर फोर, लिमिट विजिटिंग टू एवरी आवर बिफोर द क्लाइंट गोज टू स्लीप इज डिप्राइव या इंक्रीज द क्लाइंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, या उसके सपोर्ट, जो हम सपोर्ट या बेसिक केयर है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए नर्स इज इवेल्युएटिंग ए क्लाइंट्स नॉलेज ऑफ एम्बुलेटिंग विथ क्रचेस, द नर्स आइडेंटिफाई द नीड फॉर फर्दर टीचिंग व्हेन द क्लाइंट स्टेट आई मस्ट प्रैक्टिस। एक पेशेंट है, उस जो क्रच के साथ एम्बुलेट कर रहा है उसको इवेल्युएट कर रही है, कौन सा आंसर क्लाइंट का होगा जिसमें उसे फर्दर टीचिंग की आवश्यकता है, सिटिंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप, खड़ा और बैठना, एम्बुलेटिंग सेवरल हॉर्स ए डे, पूरे दिन चक्कर लगाना या एम्बुलेट करना, स्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस। ऑप्शन नंबर फोर, डूइंग एक्टिव एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर शेड्यूल, इसके अंदर फर्दर टीचिंग का मतलब है इन ऑप्शन में से गलत कौन सा है, सिटिंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप, एम्बुलेटिंग सेवरल हॉर्स ए डे, स्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस, डूइंग एक्टिव एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर शेड्यूल, सी द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, एम्बुलेटिंग सेवरल होवर ए डे, राइट आंसर का मतलब है फर्दर टीचिंग की आवश्यकता है। यदि क्रेस्ट पे है पेशेंट, यदि वो पूरे दिन चलता रहेगा, फर्दर टीचिंग का मतलब है गलत कौन सा है, मींस उसको टीचिंग की आवश्यकता कौन से ऑप्शन में है या नॉर्मल नहीं है। टू प्रैक्टिस एम्बुलेशन सेवरल आवर्स ए डे विदाउट एडिक्वेट प्रिपरेशन इज नॉट हेल्पफुल इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, मतलब पूरे दिन यदि पेशेंट को मूविंग या मोबिलाइजेशन करेगा तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में नहीं आएगा, उसको फैटिग एंड एक्टिविटी लॉस में एक्सोस द क्लाइंट। इट इज एसेंशियल दैट द क्लाइंट मास्टर स्पेसिफिक स्किल सच एज मेंटेनिंग बैलेंस, एम्बुलेशन से पहले उसकी बेसिक स्किल इंप्रूव होना जरूरी है, कौन सा, पहले वो बैलेंस, बैठना उठना एंड स्टे क्लाइंब, सीढ़ियां चढ़ना फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए पहले उसको बेसिक की ट्रेनिंग देंगे या नॉर्मल एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसको एम्बुलेशन मिलेगी। बिकॉज डिफिकल्ट मसल्स ग्रुप आर यूटिलाइज द क्लाइंट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द सिंपल मेन्यूर, ट्रांसफर फ्रॉम ए सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजिशन मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बिफोर एम्बुलेशन, बैलेंस इज असेंशियल टू प्रिवेंट फॉल्स, द नर्स मसल्स यूज फॉर क्रच वॉकिंग आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज इन नॉन असिस्टेड एम्बुलेशन, देयरफॉर दे मस्ट बी स्टैंड बाय एक्टिव एक्सरसाइज बिफोर एम्बुलेशन, एम्बुलेशन से पहले उसको एक्टिव एक्सरसाइज, नॉर्मल ट्रेनिंग देंगे, मेंटेनिंग बैलेंस, सिटिंग स्टैंडिंग एंड सीढ़ियां स्टेयर क्लाइंबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर या पीजी एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए मेरा एक ही बात कहना है, सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। क्या है? सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। फॉर मोटिव टीम नर्सिंग अकेडमी, रीड मोर।
learn more, save more, and subscribe more. Thank you.